नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत हमारे चैनल धमाल कमाल का। आज का न्यूज होने वाला है भाई, अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े रहने वाले हो, भोजपुरी पे आपको गर्व है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए आज आपको जो एक क्लिप दिखाता हूँ। झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। और इस क्लिप में आपने जो भी देखा है, एकदम मुझे आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई ये पवन सिंह का गाना है, और वो भी बॉलीवुड वाले इस पे डांस कर रहे हैं, शारदा कपूर, राजकुमार राव, भाई इतने लेवल के हमारे पवन सिंह जी गाने गाते हैं। देखिए बहुत सारे लोग जलते हैं, लेकिन जलने का कारण यही है कि पवन सिंह का कोई बराबरी नहीं कर सकता। देखिए पवन सिंह का गाना आया है आई नहीं, और इस गाने का जो फिल्म है स्त्री 2 में इस गाने को लिया गया है, और इस गाने को जिस तरह से पवन सिंह ने गाया है, मुझे विश्वास ही नहीं रहता कि भाई पवन सिंह भोजपुरी को छोड़िए भाई हिंदी में भी इतना बढ़िया गा सकते हैं। मैंने पहले भी गाना सुना है, लेकिन इस गाने को जो फिल्म में गाया ना, अगर आपको पहली दफा अगर हेडफोन में सुनाया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पवन सिंह का गाना भी है। देखिए राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर इसमें फिल्म में काम किया, लेकिन ये फिल्म से ज़्यादा इस गाने को लेकर चर्चा में है। और ये गाना अभी आप जाकर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको ट्रेंडिंग नंबर 1 पर मिलेगा, यानी 2 दिन में 2 करोड़ व्यूज। सोचिए कितना ज़्यादा अचीवमेंट रहा, और किस तरह से श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव सोच रहे हैं भाई हमसे तो बड़ा सेलिब्रिटी भोजपुरी वालों ने रखा है, और सचमुच इसका नाम पावर स्टार है, तो भाई ये पावर स्टार है पवन सिंह। कहीं ना कहीं हमारे फिल्म से ज़्यादा इसके गाने का चर्चा है, अभी चर्चा है तो वो पवन सिंह गाने को लेकर है। और हाँ, भोजपुरी में एक और भी भोजपुरी बोले तो सॉरी बिहार के एक और हिलाल जो पंकज त्रिपाठी, जिनका एक्टिंग का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ बॉलीवुड में, उन्होंने भी इस में काम किया है गाने को, और गाने में देखे उनका थोड़ा सा एक्टिंग भी है। नहीं बेटा प्यार में हाँ। तो भोजपुरी के दो शेर, बिहार के दो शेर, पवन सिंह और पंकज त्रिपाठी का ये संगम, ये जोड़ी, ये गाना कैसा रहा आप लोग को जरूर कमेंट कीजिएगा। क्या होता है, माता रानी का आशीर्वाद है, वो आधे घंटे में ही गाना मैंने गा दिया। देखिए आधे घंटे में इसको गाने को तैयारी कर पवन सिंह ने गाया, जब आधे घंटे की रियाज में इतना बेस्ट रिजल्ट देख सकते हैं पवन सिंह, सोचिए इस गाने को अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले पवन सिंह ट्रायल कर और इसको बोलते हैं रिहर्सल कर गाए होते तो कितना बेस्ट रिजल्ट था। लेकिन फिर भी हमारे पावर स्टार आधे घंटे में जिन्होंने कमाल मचा दिया पूरी फिल्म से ज्यादा इनके गाने के चर्चा में, तो समझिए हमारे पावर स्टार कितना बड़ा और कितना महान कलाकार है। लेकिन दुख की बात यह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी को पहचान में नहीं आता है कि भाई सोना कौन है, हीरा कौन है। भाई अगर भोजपुरी में अच्छी तरह से लोग पहचानने लगेंगे ना, मैं लोगों की बात नहीं बात कर रहा हूँ, आमतौर पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को, तो समझ सकते हैं कि किस तरह से इनका फिल्म, किस तरह से गाना हमारे भोजपुरी का हमेशा ट्रेंडिंग में ही रहेगा, क्योंकि भोजपुरी सुनने वाले इतना ज़्यादा लोग हैं ना कि शायद ही कोई लैंग्वेज सुने, क्योंकि भोजपुरी गाने देखते हैं हर 1-2-3 दिन में ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। अभी पवन सिंह का फिलहाल ये 2-3 गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप लोग जाकर ट्रेंडिंग सेशन देखेंगे 2 दिन में 2 करोड़ व्यूज आए। एक और गाना है बोलबम का, वो भी ट्रेंडिंग में है। तो यहाँ पे दुख की बात यह है कि भोजपुरी में हमारे लोग पैरवी को ज़्यादा फॉलो करते हैं, ना कि टैलेंट को। और टैलेंट को अगर मौका दिया जाए, पवन सिंह वो हीरा है कि आप उन्हें सही जगह पे इस्तेमाल कर देना, तो आपकी साइनिंग हमेशा बरकरार रखेंगे वो। लेकिन भोजपुरी में ये होता नहीं, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे मिलते हैं, जैसे जितने भी महान कलाकार होंगे, देखिए ब्रह्मानंद चाहे सचिन तेंदुलकर, कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, अगर उसमें पहचानने वाले लोग आपसे मुलाकात हो जाए, भेंट हो जाए, तो समझिए आप इस तरह से चमकेंगे कि आपका भी मतलब नाम होगा और जिसने आपको पहचाना है उसका भी नाम होगा। लेकिन भोजपुरी में ये दुख की बात है। फिलहाल जो भी है, हमारे पावर स्टार कम नहीं है, और हमेशा इनके गाना नंबर 1 तो बजता ही है, विदेश में भी बजता है, देश में भी बजता है, भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड में सब में गर्दा मचाए रहते हैं। फिलहाल इस कामयाबी के लिए, इस बॉलीवुड सॉन्ग के लिए आप पवन सिंह को क्या कहना चाहेंगे, और पंकज त्रिपाठी भी इसमें काम किए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अभी साथ साथ, तब तक के लिए गुड बाय।